26 जनवरी और 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस के अवसर पर शहर में पशु पक्षी वध और मांस की बिक्री पर रोक थी। वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर टीम व जिला पशु क्रूरता निवारण समिति अलवर द्वारा शहर का सर्वे किया गया, जिसमें सामने आया कि पूरे शहर में कहीं भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के उपाध्यक्ष विवेक जायसवाल ने बताया कि प्रताप ऑडिटोरियम के पास मांस की सभी दुकानें खुली थी, जिसकी सूचना टीम ने अरावली विहार थाने में दी। पुलिस कर्मियों द्वारा ऊपर से आदेश न होने की बात कही गई, जिसके बाद इसकी सूचना एसपी व एएसपी सरिता को दी गई, जिसके बाद पुलिस की सहायता से अरावली विहार थाना क्षेत्र की सभी मांस की दुकानें बंद कराई गई। शहर में अन्य थाना क्षेत्रों में भी दुकानों की स्थिति वही थी, जिसके बाद टीमों ने शहर में पर्चे बांटकर सभी दुकानदारों को जागरूक किया और हर वर्ष इस दिवसों पर जीवों को ना मारने का वादा किया। इस वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर टीम के सचिव सूरज राजपूत, उप सचिव रवि शर्मा और पीयूष साथ रहे। सरकार के आदेश अनुसार 26 जनवरी और 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस मनाया जाता है, जिसके अंदर पशु पक्षियों के वध एवं मांस की बिक्री पर रोक होती है। लेकिन आज सभी मांस की दुकानें, हम लोगों ने सर्वे किया तो सारी मांस की दुकानें खुली हुई थी और उसके अंदर वध भी किया जा रहा था जीवों का और उसके साथ में उसकी बिक्री भी की जा रही थी। और हमने पुलिस जाब्ते के लिए अरावली थाना हम गए और वहां से हमने पुलिस सहायता मांगी और उसके बाद में हम लोगों ने जितने भी जो नॉनवेज की दुकानें थी उन सबको निवेदन किया, समझाया कि 26 जनवरी और 30 जनवरी को कृपया कर अपनी दुकानें बंद रखें। और पूरे शहर के अंदर फिर हम लोगों ने जगह जगह पर जाकर और मांस की दुकानों को आज 26 जनवरी को बंद करवाया और 30 जनवरी के लिए हमने निवेदन किया। प्रशासन का सहयोग, जो सूचना थी वो थानों तक नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से हमें थानों से सीधे तौर पर मदद नहीं मिल पाई। लेकिन अरावली थाने से गाड़ी की व्यवस्था हुई और पुलिस जाब्ता हमारे साथ गया। लेकिन दूसरी जगहों पर, पूरे शहर के अंदर दूसरी जगहों पर कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा गया कि इस नियम का, सरकार का जो नियम है, सरकार ने जो 26 जनवरी और 30 जनवरी के लिए जो दुकानों पे बैन लगाया था उसका कोई प्रभाव दिखा हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखा। पूरे शहर के अंदर खुले में मांस मच्छी को मारा भी जा रहा था और बेचा भी जा रहा था।